आप रूम देख रहे हैं, दो लोग रह सकते हैं यहाँ पर, तीन अटैच लेते हैं, कॉमन बाथरूम का लेते हैं, तो आपको 600 रुपये पड़ेगा दो लोगों के लिए, 600 रुपये दो लोगों के लिए। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दाम बताया गया उनको वैसे ही मिलेगा और कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। इधर क्या है मतलब, ये अच्छा इधर आप इधर भी देख सकते हैं, ये विंडो है, मतलब सफोकेट नहीं करेगा ये रूम किसी भी तरीके से। आए हैं दूसरे रूम की तरफ और ये रूम उससे काफ़ी बड़ा है और तीन इधर लोग सो सकते हैं, लेट सकते हैं, और दो इधर। ये डबल बेड का है, वो ट्रिपल बेड का है, दो अटैच्ड बाथरूम आप देख सकते हैं, और सबसे कम में आपने बताया 600 रुपये में। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। आज आपको एक अनोखा वीडियो दिखाने आया हूँ, होटल्स का, गेस्ट हाउस का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने को आएँ तो पास में कोई गेस्ट हाउस बताइए। सबसे पहले तो आप ये दर्शन कीजिए, ये द्वार है, गेट नंबर 1 श्री काशी विश्वनाथ द्वार। आपको फुल जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, ये द्वार है काशी विश्वनाथ, और ऊपर महाराज जी बैठे हुए हैं और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। अब चलिए, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको एक होटल, गेस्ट हाउस, ठहरने की व्यवस्था दिखाने ले चल रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसको भी देखिएगा। अगर आप काशी विश्वनाथ आ रहे हैं या बनारस आ रहे हैं और स्टे करने के लिए रूम चाहिए, तो काशी विश्वनाथ धाम के अंदर खुला पहला होटल, सबसे विश्वसनीय पहला होटल धाम के अंदर खुला है, उसका आपको यहाँ पर पोस्टर दिख रहा है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेक कीजिएगा। और उसी होटल में 560 रुपये में आप ठहर सकते हैं। ये जो दूसरा पोस्टर आप देख रहे हैं, 560 रुपये में आप ठहर सकते हैं। और काशी विश्वनाथ से मात्र 4 कदम की दूरी पर, मैंने चल कर दिखाया है कि 4 कदम की ही दूरी है, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, उसका भी वीडियो का लिंक या पोस्टर देख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और काशी विश्वनाथ से 10 कदम की दूरी पर एक और गेस्ट हाउस दिखाया है। तो सारे आपको ये सब बजट फ्रेंडली और प्रीमियम हाई क्लास सब तरह के वीडियोस आपको बना रखे हैं, जाके चेक कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अभी इधर की तरफ और लोकेशन दिखाते हुए आपको ले चलते हैं गेस्ट हाउस पर। ये रोड जो आ रही है गदोलिया से आ रही है, गिरजाघर गदोलिया से, और ये आपको दिखाया मैंने, ये द्वार है। और ये जो आगे जा रही है इधर दशाश्वमेध की तरफ जाएगी और इधर राजेंद्र प्रसाद की तरफ जाएगी, और हम आपको ले चलते हैं गेस्ट हाउस की तरफ। इस रास्ते से हम लोग आए हैं, जो आपको द्वार दिखाया था काशी विश्वनाथ गेट नंबर 1, और ये दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं उधर गंगा दिख रही है, और थोड़ा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये गंगा दिख रही है। यहाँ पर आरती भी होती है, विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। और इधर ही हम लोग चलेंगे गली के अंदर, इस गली के अंदर घुसकर गेस्ट हाउस है। और हम लोग इधर से आए हैं, ये थोड़ी गली है, हल्की गली है, आप इनसे कांटेक्ट करके आप ये आपको खुद लेने आ जाएंगे, आप यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है फैमिली गेस्ट हाउस, बजट में सबसे बेस्ट है ये, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे booking.com में, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए इनको रेटिंग मिली है और ये अवार्डी हैं, 2021 में अवार्ड भी मिला इनको, 9.2 इनकी रेटिंग है। और वाईफाई वगैरह ये सब है, क्लीन कंफर्टेबल है। अब चलिए अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, 200 नंबर 1 है, आइए अंदर। तो ये आप रूम का लुक देख सकते हैं, ये आप रूम देख रहे हैं, दो लोग रह सकते हैं यहाँ पर, तीन लोग अगर कर रहना चाहें साथ में तो एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो जाएगा, उसमें आपका जो एक्स्ट्रा होटल चार्ज लगता है। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्या चार्ज है वैसे इस रूम का? इसका एसी लेंगे तो 1500 रुपये है। अच्छा, और एक्स्ट्रा होटल लेते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा। अच्छा, दो लोगों के लिए 1500 रुपये। अच्छा, दो लोग के लिए आप देख सकते हैं एसी लगी हुई है, दो लोग के लिए 1500 रुपये, अगर एक्स्ट्रा आप कोई ऐड होगा तो फिर आप कितना बताएं? 300 रुपये एक्स्ट्रा, 300 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा प्राइस में भी। तो आप ये देख सकते हैं एसी में बजट में 1500 में, और वो भी दशाश्वमेध घाट के एकदम नियरेस्ट, और साथ में काशी विश्वनाथ भी है पास में, तो ये मिल पाना जल्दी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब से टूरिज्म बढ़ा है काशी विश्वनाथ की तरफ, तब से बुक जो हो जा रहे हैं होटल वो जल्दी बुक हो जा रहे हैं। तो ये ऑफलाइन है या सिर्फ ऑनलाइन है? नहीं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों है। आपका अपना वेबसाइट है या फिर गोवा या मेक माई ट्रिप? अच्छा, गोवा इबिबो, मेक माई ट्रिप और अगोडा वगैरह, ये सब। अच्छा, इन सब से भी आप बुक करके आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये आपका एडवाइस रहेगा, इन सब से आप बुक करेंगे तो उन कंपनियों का रूम वही रहेंगे, उन कंपनियों का कमीशन, हाँ जो कमीशन रहेगा वो आपको, हाँ वो उन कंपनियों को कमीशन मिलेगा,
इनके ही रूम को बुक करना है, आप डायरेक्ट बुक करेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में, तो आपको वो कमीशन से आप बच जाएंगे और कुछ हो सकता है हमारे व्यूअर से कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि ओकेजन्स बहुत होते रहते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे भी करते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं जो दाम बताया गया उनको वैसे ही मिलेगा और कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। इधर क्या है मतलब ये अच्छा इधर आप इधर भी देख सकते हैं, ये विंडो है, मतलब सफोकेट नहीं करेगा ये रूम किसी भी तरीके से, आप चाहे तो नेचुरल वायु का नेचुरल ऑक्सीजन का भी मज़ा ले सकते हैं। उधर भी खिड़की है, उधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी कर्टेन लगा हुआ है और इधर भी खिड़की है, तो ये एक रूम है। और एक अब एक दूसरे रूम की तरफ हम लोग चलते हैं और आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाता है। और ये अटैच्ड बाथरूम, ये देखिए आपको ये बताना भूल गया मैं, ये अटैच्ड बाथरूम है, आप देखिए आप इसमें भी इसका भी एक छोटा लुक देख लीजिए। और चलिए अब दूसरे रूम की तरफ, अटैच लेते हैं, कॉमन बाथरूम का लेते हैं, तो आपको 600 रुपये पड़ेगा दो लोगों के लिए। 600 रुपये दो लोगों के लिए, अच्छा वो रूम अभी फ्री नहीं है, खाली नहीं है, आपने बताया क्या कॉमन बाथरूम रहेगा, रूम आपका प्राइवेट रहेगा, बाथरूम आपको शेयरिंग रहेगा। अच्छा बाथरूम शेयरिंग रहेगा और वो रूम आपको 600 रुपये मिल जाएगा दो लोगों के लिए, उसमें भी कुछ एक ऐड ऑन हो सकता है, 300 रुपये देकर एक ऐड हो सकते हैं उसमें अगर रहेंगे, उसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा। अच्छा उसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा है, तो मतलब 600 रुपये में भी आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है, बस बाथरूम कॉमन हो जाएगा। तो चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग 303 नंबर पर आए हैं दूसरे रूम की तरफ, और ये रूम उससे काफ़ी बड़ा है और तीन इधर लोग सो सकते हैं, लेट सकते हैं, और दो इधर, ये डबल बेड का है, वो ट्रिपल बेड का है, 5 लोग टोटल इसमें स्टे कर सकते हैं। अगर एक लोग एक्स्ट्रा अगर ऐड ऑन करना चाहे तो क्या चार्ज होगा इसमें अभी? 300 रुपये एक्स्ट्रा है, 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है। एसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एसी लगी हुई है, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, और इधर भी आप देख सकते हैं बाथरूम भी है, दो अटैच्ड बाथरूम है। अब आप ये देखिए दो अटैच्ड बाथरूम है, क्या प्राइस है इसका? 2500 रुपये पर डे दो अटैच्ड बाथरूम, आप देख सकते हैं इधर। ये दो अटैच्ड बाथरूम है और इधर भी आप देख सकते हैं मिरर व्यू है, इधर भी आप बाहर का नज़ारा, ऐसे बाहर का ऑक्सीजन लेना चाहते हो तो आप इसे खोल सकते हैं और इधर से आपको फुल ऑक्सीजन मिलेगी और व्यू मिलेगा। और इसमें इसमें तो काफ़ी स्पेस है आपके, तो इसमें अगर चाहें तो 2-3 व्यक्ति भी ऐड कर किए जा सकते हैं। इसमें टोटल आपका जो है 10 लोग लड़ जाते हैं, 10 लोग टोटल लड़ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा देते हैं, वही एक्स्ट्रा मैट्रेस का 300 रुपये बढ़ता जाएगा, बाकी 2500 रुपये आपका चार्ज है, 2500 रुपये चार्ज है एक्स्ट्रा मैट्रेस का बढ़ता जाएगा। यानी अगर ग्रुप में लोग आ रहे हो और अगर बड़ी फैमिली आ रही हो, जैसे कि सावन का काशी में सावन का एक अलग महत्व है, दो महीने के इस बार, पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, दो महीने के इस बार सावन पड़ रहा है, तो जो लोग कांवड़ियाँ हैं जो धार्मिक रूप से आते हैं वो यहाँ पर आके ग्रुप में भी रह सकते हैं, 2 ग्रुप हो 10 लोग का टोटल 10 लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं 2500 रुपये। और सबसे कम में आपने बताया 600 रुपये में है, वो नॉन एसी ही होगा जी, वो नॉन एसी है, 600 रुपये में आप बुक कर सकते हैं। एक बारी कोशिश करूँगा कि कोई सीज़न में अप डाउन होता रहता है रेट, हाँ सीज़न में थोड़ा अप डाउन होता रहता है, तो आप पहले से अगर बुक किए रहेंगे, हमारे व्यूवर्स के लिए तो उतना ही रेट चल जाएगा ना जी जी, हमारे व्यूवर्स के रेट उतना ही रहेगा। सीज़न में अप डाउन थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि आप जानते हैं काशी विश्वनाथ है, तो थोड़ा सा भीड़ को देखते हुए चीज़ें की जाती हैं। चलिए अब 600 वाला की कोशिश करते हैं कि आपको वो भी दिखाते हैं बाहर से ही, सही अगर चांस मिलेगा तो दिखाते हैं, क्योंकि सब बुक्ड है। चलिए अभी आप ये टेरेस व्यू देख रहे हैं, छत से आप देख रहे हैं गंगा उस पार आपको दिख रही है, और ये दशाश्वमेध घाट ही है पास में, और वॉकिंग डिस्टेंस है घाट से तो एकदम समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर। और यहाँ से आप यहाँ का टेरेस लुक भी देखिए, यहाँ पर भी बैठकर आप आराम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मौसम अभी बारिश का है हल्का, देखिए यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं, टेरेस व्यू है। अब चलिए, और ये विजिटिंग का ऐड आप देख रहे हैं, और इस पर नंबर्स लिखे हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर आके आप अपना बुक कर सकते हैं और कॉल भी करके बुक कर सकते हैं।